अगर दोस्तों आप लोग घर बैठे ही सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसमें पार्टीशन कैसे बनाते हैं, या फिर आपके पीसी में ऑलरेडी एसएसडी या फिर एचडीडी लगी हुई है, तो आप लोग दोस्तों सेकेंडरी हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश, आप सभी का स्वागत है टेक्नो न्यूज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर दोस्तों ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं आप लोगों को लेकर अपने पीसी में, और यहां पर मैं आपको स्टोरेज दिखाना चाहूंगा कि कितना जीबी स्टोरेज है अपने पीसी में। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो मैंने इसमें दोस्तों 240 जीबी की एसएसडी लगाई हुई है, लेकिन इसमें केवल 22 जीबी ही दिखाई देती है। तो ये दोस्तों केवल 11 जीबी ही खाली है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी दोस्तों इसमें हम लोग 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर को हम लोग कर देंगे शट डाउन, और उसके बाद दोस्तों हम लोग लगाएंगे 1 टीबी की हार्ड डिस्क। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने पीसी को पावर ऑफ कर देते हैं शट डाउन, और ये भी दोस्तों थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और अभी दोस्तों हम लोग इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो ऊपर ग्लास लगा हुआ है, हो सकता है कि आपके पास जो कैबिनेट है उसमें ग्लास वाला ना हो, तो जो भी हो भाई उसे आप लोगों को ओपन कर लेना है जहाँ पर मदरबोर्ड की साइट हो। जैसे कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और दोस्तों मुझे दोनों साइड से इसे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग दोस्तों इसमें लगाने वाले हार्ड ड्राइव, और यहाँ पर दोस्तों अपने पीसी में काफी ज्यादा धूल भी चली गई है, तो सबसे पहले मुझे उसे क्लीन करना पड़ेगा सही से, वरना भाइयों अगर हम लोग पीसी साफ करेंगे और इसके अंदर धूल रहेगी तो भाइयों लैग का इशू होता है, और कई बार भाइयों क्या होता है कि पीसी स्टार्ट भी नहीं होता है धूल के कारण, तो वो सबसे पहले सफाई पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर दोस्तों जो ग्लास है वो हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं धूल को क्लीन कर लेता हूँ। A few minutes later, दोस्तों मैंने अपने सीपीयू को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, जो भी डस्ट थी वो सब साफ हो चुकी है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना है हार्ड डिस्क को लगाने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे की भाईयो ये साटा केबल, ये शायद आपको मदरबोर्ड के साथ मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आपके पास आप लोग किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ स्क्रू भी चाहिए, जिसकी मदद से हार्ड डिस्क को आप लोग अपने कैबिनेट में फिट करोगे। अगर आपके कैबिनेट में ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर बिना के हार्ड डिस्क फिट हो जाती है तो सबसे अच्छी बात है, वरना आपको स्क्रू लेने पड़ेंगे। अगर साटा केबल नहीं है तो भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे दोस्तों आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। तो इसको दोस्तों हमें लगाना है मदरबोर्ड में। इसके अलावा दोस्तों पावर सप्लाई में एक केबल होती है, जो भी दोस्तों हमें लगानी होती है हार्ड डिस्क में, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सेटअप करते हैं इसको। जल्दी से दोस्तों कैबिनेट की बैक साइड को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एसएसडी को बाहर निकाल लिया है, और दोस्तों मेरे कैबिनेट में दो ऐसे बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें मैं एसएसडी और एचडीडी लगा सकता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों अपने जो हार्ड डिस्क है वो हम लोग फिट करेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग लगा देते हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें ये जो केबल मिल जाता है जिसमें भाई हम लोग एचडीडी को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इस वाले को मैं इसके अंदर लगा देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। एचडीडी दोस्तों अंदर लग चुकी है, अभी बारी आती है भाई एचडीडी को ओपन करने की। तो दोस्तों ये है अपनी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम लोग अभी अनबॉक्स करेंगे। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में दोस्तों हमें ये एचडीडी देखने को मिलती है, और दोस्तों ये टोशिबा की एचडीडी है, सर्विलियंस S300। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं बाहर। पैकेजिंग तो भाई काफ़ी बढ़िया है, और इसे दोस्तों मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है। अगर आपको लेना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी बहुत सारी एसएसडी एचडीडी। तो ये दोस्तों एकदम पैक है, और यहाँ पर इसकी प्राइस और ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए इसको निकालते हैं, लेकिन इतनी प्राइस नहीं है भाइयों जितना इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए इसको कट करते हैं, और मैंने भी नहीं देखा है भाइयों कैसी है, तो कट तो मेरे ख्याल से ऐसे हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है आज से ही। तो भाई वो कुछ ऐसी आप लोग देख सकते हो कि हार्ड ड्राइव हम देखने को मिली है, और कितनी आरपीएम की है, 5700 आरपीएम आप लोग देख सकते हो। तो अभी इसको लगाएंगे दोस्तों हम लोग अपने कैबिनेट में, अपने सीपीयू में। तो यहाँ पर दोस्तों पावर सप्लाई का जो केबल आता है वो लग जाएगा, और यहाँ पर भाई वो साटा केबल लग जाएगा जो की मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, वो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं अपने कैबिनेट में। तो भाई अपनी जो ये हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अपनी जो हार्ड डिस्क है वो इसमें सही तरीके से हो चुकी है फिट। तो यहाँ पर दोस्तों दो स्क्रू लगेंगे जो कि हम लोग जल्दी से लगा देते हैं, इसके अंदर ही मिल जाएंगे हमें।
तो भाई स्क्रू तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर और एक यहाँ पर लग चुका है। तो अभी केवल भाई इसमें केबल कनेक्ट करने हैं और ये सेटअप हो जाएगा। और इसको पैक करने के बाद भाई अपने पीसी में हमें कुछ करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके भाई हार्ड डिस्क वहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे साटा केबल को, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा। और यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इन दोनों का यूज़ करना है। इसमें दोस्तों पावर सप्लाई वाला केबल लगेगा और इसमें ये वाला साटा केबल। तो चलिए कनेक्ट करते हैं इसको। और कनेक्ट करना भी आपको इसमें देख लेना है, एल को आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एल से मिल जाएगा उल्टा एल, और इसमें भी आपको एल ही मिल जाएगा, सही वाला एल आप समझ सकते हो। तो इन दोनों को कनेक्ट करना है सही तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और भाई वो क्लिप की आवाज़ आएगी, समझ लो कि ये कनेक्ट हो चुका है। और अभी यहाँ पर दोस्तों एक और केबल है, जो कि है भाई वो पावर सप्लाई का केबल। और यहाँ पर ही आपको इसमें भी एल टाइप का ही ऑप्शन मिलेगा, या फिर इसको मैं लगा देता हूँ, उसके बाद भाई वो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर भाई वो इस केबल को हम लोग लगा देते हैं अब। तो ये केबल तो दोस्तों सक्सेसफुली हो चुके हैं कनेक्ट। अब भाई क्या करना है कि इस वाले साटा केबल को हमें लगाना है अपने मदरबोर्ड के साटा पोर्ट्स में। तो यहाँ पर दोस्तों इस केबल को हम लोग जाने देंगे इस साइट में और कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपनी पीसी को घुमा लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे साटा केबल के लिए। आपके मदरबोर्ड में हो सकता है कि अलग अलग जगह पर हो, लेकिन मैं दोस्तों ये जो गीगाबाइट का है 320 M H2H मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसमें दोस्तों यहाँ पर पोर्ट मिल जाते हैं, चार पोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको लगा देते हैं। तो ये काम तो दोस्तों हो चुका है, अपना जो HDD है वो लग चुका है अपने CPU के साथ। अभी भाई हम कर देते हैं इसको पैक, उसके बाद भाई PC में क्या करना है वो मैं आपको PC में जाके ही बता पाऊंगा। तो भाई मैंने अपने CPU में हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन वो अभी यहाँ पर शो नहीं करेगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस PC में जाकर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो SSD की जो स्टोरेज है वही शो कर रही है, लेकिन हार्ड डिस्क इंस्टॉल है अपने PC में। लेकिन उसे शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन कैसे बनाते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जाना है जिस PC में, और यहाँ पर आप लोग दोस्तों कंप्यूटर पर क्लिक करिए ऊपर की साइड में, और यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये ढूंढना नहीं है तो यहाँ पर आप लोग केवल दिस PC पे राइट क्लिक करिए और मैनेज का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जाना है डिस्क मैनेजमेंट में, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर आपको GPT या फिर MBR का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम MBR पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये अपनी 931.51 यानी कि 51 GB भाई अपनी जो HDD है, इतनी उसकी साइज है। 1 TB तो है, लेकिन भाई इतनी GB हमें मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पार्टीशन बनाने वाले हैं। तो 931 का हम लोग एक पार्टीशन नहीं बनाएंगे, हम लोग दोस्तों 200-200 का बनाएंगे। तो कितना बनता है वो आप लोग देख लीजिएगा, 200 या फिर 250 का हम लोग बनाते हैं। चलो हाँ दोस्तों हम लोग 250 का ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पार्टीशन है जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, और जो ये ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है अनएलोकेट है भाई ये, तो हम लोग दोस्तों इसे बनाएंगे, पार्टीशन बनाएंगे इसका। तो इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों न्यू सिंपल वॉल्यूम पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों कितने का पार्टीशन बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं 250 का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको निकाल दूंगा और 250 लिख दूंगा। इसके बाद दोस्तों इसके पीछे में 3 जीरो और ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर MB में बनाना है पार्टीशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो 250 मैंने लिखा, उसके बाद 3 जीरो कर दिए, यानी कि दोस्तों ये 250 GB का पार्टीशन बनेगा। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा और इसको दोस्तों जो भी हम लोग नंबर देना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि भाइयों मैं इसको दे देता हूँ एयर ड्राइव, और हम लोग कर देंगे। ये आपको चूज़ कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो नंबर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम लेवल, यानी कि आप लोग नाम क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैं नाम देना चाहूँगा 250 GB का गेमिंग, क्योंकि इसके अंदर हम गेम इंस्टॉल करेंगे, और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेबल है गेमिंग, और यस, और हम कर देंगे भाईओ फिनिश। फिनिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो 244.GB का भाई अपना जो एक पार्टीशन बन चुका है। चलिए मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेमिंग नाम से ए बन चुका है 244 GB का। 250 का हम लोगों ने बनाया था, लेकिन इतना बना, कोई बात नहीं। चलो हम लोग दोस्तों दोबारा से मैनेज में जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल पे जाएंगे,
नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बनाएंगे दोबारा से 250 का पार्टीशन और इसको नाम दे देंगे भाई हम लोग बी। नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे भाई हम लोग HDD यानी कि हार्ड डिस्क और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अपना सेकंड पार्टीशन भी बन चुका है और अभी बचा है 443 GB। तो इस पर हम लोग दोस्तों राइट क्लिक करेंगे, सिंपल वॉल्यूम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको भी दोस्तों हम लोग दे देंगे 123 250। नेक्स्ट करेंगे और इसको भाई नाम दे देंगे डी, चलो ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसका वॉल्यूम दे देंगे हम HDD। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और अपना भाइयों एक और पार्टीशन बन जाएगा थोड़ी देर के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि इतना बन चुका है। तो अभी भाइयों बचा है केवल 1.99 GB, तो इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं भाइयों हम लोग ई। नेक्स्ट करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसको भाई नाम दे दिया ई, ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है और इसको लिख देंगे यहाँ पर HDD और नेक्स्ट कर देंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों अपना सभी पार्टीशन बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो सारे पार्टीशन दोस्तों हो चुके हैं रेडी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ABCDE, ये दोस्तों जो है ये SSD का है और बाकी के भाइयों अपने स्टोरेज यानी कि जो HDD है उसके पार्टीशन है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने PC में यानी कि कंप्यूटर में HDD को इंस्टॉल करके उसमें पार्टीशन बना सकते हो, उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और जो भी लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना।